तो गाइज आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि हमारा डांस का प्रोग्राम है नाइट को, वहाँ पे डांडिया प्रोग्राम होगा तो हम वहाँ पे व्लॉग भी शूट करेंगे। तो इसके लिए हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे हम डांडिया लेंगे, ज्वेलरीज लेंगे, पूरा कॉस्ट्यूम लेने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं हम वहाँ पे क्या क्या लेने वाले हैं। जो भी गरबा डांस में जो भी कॉस्ट्यूम होता है वो हम आज परचेज करने जा रहे हैं। तो चलते हैं शॉप पे। ठीक है मम्मी भाई, अब हम आ गए हैं शॉप पे और यहाँ पे हम शॉपिंग करेंगे। आ जाओ इस साइड से चलते हैं, अपन को ये वाली ड्रेस लीजिए ना। और अब हम यहाँ पे ड्रेस देख रहे हैं जिस टाइप की हमें चाहिए। भैया दिखाना भैया, ये देखो हाँ ये डन है भैया, ये डन पसंद आ गई, अच्छा कलर है। हमने अपने अपने लहंगे डिसाइड कर लिए। मेरे को ये वाला लहंगा बहुत ही अच्छा लगा और मेरे को ये वाला है, ये मैं नाइट में पहनने वाली हूँ और पूरी तैयार होकर दिखाने वाली हूँ। भैया ये भी ले लेते हैं ना, ड्रेस के सेम से मजा आएंगे, इस पे ऊंट बंधा हुआ है। सिल गई के? हाँ दोनों ले लेते हैं। ठीक है भैया, ये दोनों पैक करो। भैया जूती भी तो लेनी है। हाँ वो ले रहे, सब ले रहे हैं। पहले कुणाल की ड्रेस ले लेते हैं। ठीक है हमें तो एड्रेस पता है ना। हाँ मेरे लिए अब हम जूती वाले शॉप पे आए हैं, यहाँ पे हम जूती खरीदेंगे। भैया ये कितने की है? 100 रुपए की। 100 रुपए की इसको। रास्ते में आते हमें गुब्बारे दिखाई दिए, तो हम ये गुब्बारे ले रहे हैं, इसके हम हेयर स्टाइल बनाएंगे एंड डांडिया को भी तैयार करेंगे। LED डांडिया, जिससे अभी लाइटिंग धूप में तो इसकी लाइटिंग दिखाई नहीं दे रही, रात को अच्छे दिखाई देगी, फुल दिखाई देगी। और हेयर स्टाइल बनाएंगे तो यूनिक लुक भी आ जाएगा हेयर स्टाइल का, और डांडिया भी अच्छे दिखाई देंगे नाइट में लाइट की वजह से, LED लाइट की वजह से। कितने का है? 120 रुपए के। कितने अपने, कितने लेने? 4-5 ले लेते। तो हम घर आ चुके हैं और हमारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी हम जल्दी से रेडी होंगे क्योंकि हमें 4 बजे निकलना है। जल्दी से तुम लोग खाना वाना खा लो और चार बजे निकलना है। अब हम इन बलून के ना डांडे बनाएंगे और बालों में लगाएंगे, जिससे सबसे यूनिक दिख सके और डांडे भी सबसे अलग होने चाहिए। तो झुमझुम हमने डांडिया को डेकोर भी कर लिया है और मैं खुद भी पूरी रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो। कमरिया कमरिया, मेरा वाला ब्लाउज फिट नहीं आया इसलिए मैं मम्मी से फिटिंग करवा रही हूँ। लो मम्मी, मम्मी कितनी देर में हो जाएगा? 15 मिनट लगेंगे। अच्छा मम्मी जल्दी करना, नहीं तो शाम का प्रोग्राम है इसलिए जल्दी कर दियो, नहीं मैं रह जाऊंगी। ना रहने को दे तेरे। हेलो गाइज, आज हमारा चूरू में गरबा डांस प्रोग्राम था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, कोरोना की वजह से वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो सडनली हमें बीकानेर निकलना पड़ा, द ड्रीम सिटी। तो यहाँ पे हम हमारा डांस का वीडियो शूट करेंगे, अभी नाइट के हो रहे हैं 2 o'clock हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, बहुत सारी लोकेशन है, सारी लोकेशन हम मॉर्निंग को कवर करेंगे। अभी हम करेंगे हमारा डांस का वीडियो शूट, सभी रेडी हो? यस भैया। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी डांस करेंगे तो आपसे प्रॉमिस किया है, तो वीडियो लेके आना जरूरी है, तो वीडियो लेके आएंगे और साथ एक व्लॉग भी लेके आएंगे बहुत अच्छी लोकेशन के साथ, सारी लोकेशन कवर करेंगे। रात को हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं है, तो सिर्फ रात का वीडियो शूट हो पाएगा। मॉर्निंग को हम आपको सारी लोकेशन कवर करके दिखाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है। तो अभी डांस का वीडियो शूट करें, चलो आ जाओ पोजिशन पे। सॉन्ग ही नहीं आता पूरा, चलो वो वाला सॉन्ग आते हैं। कौन सा? जो आज हम आपके लिए यहाँ पे 3 बजे शूट कर रहे हैं। चार बज रहे हैं। ओ चार बज रहे
बज गए। शूटिंग में पता नहीं चला कब 4 बज गए। सो गाइस हमारा नाइट शूट तो कंप्लीट हो चुका है और अभी हम थोड़ा रेस्ट लेंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा थक गए हैं। और सुबह आपको पूरी यहाँ की लोकेशन दिखाने वाले हैं। बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। अब हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं तो मिलते हैं थोड़ा सा रेस्ट के बाद मॉर्निंग में। बाय 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 बाय। गुड गुड मॉर्निंग बीकानेर ड्रीम सिटी। यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है। वो नाइट का जितना भी शूट था हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब सुबह का शूट बाकी है सिर्फ। अब चलो नीचे चलते हैं। 5, 6, 7, 8 स्टार्ट। तो गाइस हमारे यहाँ का सारा शूट कंप्लीट हो चुका है तो अब हम दिखाते हैं आपको यहाँ की सारी लोकेशन वन बाय वन। तो आपको लोकेशन पसंद आए तो आप यहाँ पे शूट करने भी आ सकते हो, प्री वेडिंग डांस वगैरह कैसा भी वीडियो आप शूट कर सकते हो, फोटो भी क्लिक कर सकते हो। चलो आ जाओ लोकेशन दिखाते हैं आपको, सारी लोकेशन कवर करेंगे अपन। ड्रीम सिटी में झूला कर लिया। चलो सर सन बैश। चलो अब नेक्स्ट लोकेशन दिखा देते हैं। यहाँ पर बैठ के टी ब्रेक भी ले सकते हो। हाँ जैसे कि कुछ भी खाना वगैरह। और ये रही छोटी सी नदी। कमल में कैद कर दिया गया। अरे इसमें तो गंदा पानी है। हर दिन चेंज होता है शायद। मैं आ गया राहुल भैया। चल ओ दीदी मेरे को आ जाओ ना, मुझे बड़ा लगता है। चलो पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए। मैं तो आगे चलूंगी। बहुत दिनों बाद पैकेट चला रहे। हां चला अच्छा लग रहा है। देखो 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 कहां है डर तू तेरे बिना मैं ना रहूं। मैं सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। अरे बुला बिना मैं तो आगे चलती हूं ना। अरे अपना जोड़ ले मैं खुद हमने यहाँ पे भी डांस वीडियो शूट किया था। आपको ये वीडियो में दिख जाएगा। और यहाँ पे बताओ क्या है, इसके अंदर खरगोश और कबूतर है। इसकी चाबी क्या है, ये रही इसके आपको दिखाता हूँ मैं। मैंने देखो कबूतर को पकड़ लिया लेकिन इसके पैर अलग से चिप रहे। अब देखो इसको उड़ा देता हूँ मैं। जा उड़ जा कबूतर जा जा कबूतर जा। हमने यहाँ पर भी वीडियो शूट किया था तो आप बताना कमेंट में कि आपको ये लोकेशन कैसे लगी। हमने यहाँ पे डांस किया था ऐसे। 1, 2, 3, 4 तो लोकेशन आपको अच्छी लगी उस पर लाइक कर दो। अब अंदर चलते हैं। वेलकम द ड्रीम सिटी। फ्लावर्स देखो कितने अच्छे अच्छे हैं। ये साइकिल देखो। इस गेम का क्या नाम पता है क्या? अरे तो ऐसे नहीं खेलते। अरे ऐसे आता है थोड़ी गलती से। हाँ मैं नहीं था सॉरी। खेलना तो मुझे भी नहीं आता पर ऐसे नहीं खेलते। खेलना नाम के ऐसे ऐसे पीछे ऐसे ऐसे क्या हो जाता है। नहीं 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 गया। अब आपको न्यू से न्यू लोकेशन दिखाती हूँ। ये दिखाऊं या दिखाऊं बताओ जल्दी कौन सी है। पहले ये दिखा देती हूँ ये वाली। ये देखो मेरा बहुत बड़ी सिंगर हूँ इंडिया की फेमस सिंगर। आप गिटार बजाना ठीक है। मैं शराबी हूँ।
मेरे को एकदम क्या दो ऐसे वाली करना क्या बात में होगा अंगूर मेरे को भी दे दो नहीं नहीं अंदर मेरे को भी कर दे खाली इम्मा वोट निकाल लेगा के तेरे नाल नचना हाय मत तेरा ये पर इतना है सभी को पता है कुछ नहीं इसमें ये अपन को घर से कॉल कर लेते हैं तो घर के तुम यहां पे कर सकते हैं घास पड़ा है इसका नहीं समझ आ रहा ये वो वाली शेर है तो गाइस इस लोकेशन का नाम आपको पता था हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या नाम इस लोकेशन का ये वो बुधवार और ये रहा किचन प्याज की चोटी अंगूर भैया जल्दी से खाना खा लो नाइट से अपन ने कुछ नहीं खाया वीडियो बनाने में लगे टाइम नहीं मिला खाने खा ही नहीं सकती थी तो ये देखिए खा ले तू चलो अभी बैंड बाजे के पास बैंड स्टिक का नहीं हमने भी यहाँ पे भी डांस वीडियो शूट किया है वो भी अच्छे ग्रीन येलो और इसमें एक नवाचार फ्लावर पड़ा है ये लेवल देखो कितना अच्छा है ये बैकग्राउंड लोकेशन बहुत अच्छी है डांस के लिए बेस्ट है ये दोनों ने ऐसे कर रखा है इतने पूरे तो अभी हम चलते हैं यहाँ की लास्ट लोकेशन पे जो अंदर की तरफ है ये मंदिर है यहाँ पे चप्पल डाल रही हूँ मैं तो मैं पूजा कर रही हूँ अंदर की लोकेशन पे नहीं बोल रहा अंदर की लोकेशन वाव पुतला पुतली वाव पुतला पुतली ये देखो ब्लैक कलर कितनी अच्छी लोकेशन है ये देखो उतार लूँगी अभी आपको बीच दिखाता हूँ गोवा वाला बीच यहाँ पे भी दिखता है गोवा वाले बीच ये यहाँ का बीच है ये नाव है ठंडी ठंडी यहाँ पे बैठ पूरा बीच की फीलिंग आएगी यहाँ पे बैठो मैं कोई बता सकता है बस ये लोकेशन कवर करना पता ही नहीं चलेगा कहाँ बैठे ऐसे सोचेंगे बीच पे बैठे सही में लग रहा कैमरे में तो गोवा देखना एक बार आप बैठना मैं देखता हूं एक बार ट्राई करके देख लो हां यार क्यों गोवा चले गए गोवा आज तो गोवा हमने यहाँ पे भी वीडियो शूट कर लिया है बहुत ही अच्छा लोकेशन है छत्रियों का गुजराती लोकेशन है ये गुजराती लोकेशन ये चाहते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो हमने यहाँ पे पूरी लोकेशन आपको दिखा दी है और जो नहीं दिखाई है वो आप वीडियो में देख लेना डांस वीडियो में अब हम ड्रेस चेंज करेंगे और फिर घर पे जाने वाले हैं हाँ ये तो दिखाया ही नहीं आपको बात कर ले तेरे मम्मी पापा से हेलो मम्मी मैं आज आ रही हूँ आपके पास और कैसे हो मम्मी बढ़िया यहाँ पे और भी जन आए हुए हैं आप देख सकते हो अपन चल रहे हैं अभी इस साइड ये भी वीडियो शूट करने के लिए उनके स्टूडियो पे डांस वाला वीडियो भी आज ही आने वाला है बहुत ही अच्छा है पूरा